जी सभी को नमस्ते, सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। आप सभी को नमस्ते। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास वन को कंप्लीट किया। अभ्यास वन में चैतन्य को चैतन्य के द्वारा देखने का काम हम लोगों ने 7 स्टेप पे किया और अभी अभ्यास टू पे काम शुरू किए हैं, जिसमें चैतन्य से चैतन्य को देखने का काम भी कर रहे हैं, साथ साथ चैतन्य और जड़ में जो इंफ्रैक्शन है उसको भी देखने का काम कर रहे हैं। उस संदर्भ में कुछ चर्चाएं सेल्फ और बॉडी को लेकर पहले भी हो चुकी थी और इस वाले सत्र को शुरू करने से पहले, इस वाले अभ्यास को शुरू करने से पहले भी कुछ चर्चाएं हुई सेल्फ और बॉडी दोनों को समझने के संदर्भ में। तो ये बात ध्यान में आई कि सेल्फ की आवश्यकता अलग है, बॉडी की आवश्यकता अलग है और दोनों ही आवश्यकता को पूरे करने के तरीके भी अलग अलग हैं। शरीर जो जड़ है उसकी आवश्यकता जड़ वस्तुओं से पूरी होती है। सेल्फ जिसको चैतन्य कह रहे हैं उसकी आवश्यकता सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। दोनों की क्रियाएं भी अलग अलग हैं। शरीर की क्रियाएं अलग तरह से दिखती हैं जो सामायिक हैं, सेल्फ की क्रियाएं इच्छा विचार आशा के निरंतर है। साथ ही साथ इसको भी समझने का प्रयास किया कि जो पहचानना निर्वाह करने की क्रिया है वो शरीर में भी चलती रहती है, जड़ में भी और सेल्फ में। लेकिन सेल्फ में दो और क्रियाओं का अध्ययन हम लोगों ने किया, जानना और मानने का। तो सेल्फ की अनुक्रियाओं को देखे तो वो चार तरह की थी, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो इस बात को हम लोगों ने समझा कि वो सभी इकाइयां जिनमें सिर्फ पहचानना निर्वाह करने की क्रिया है उनको जड़ इकाई के रूप में समझ रहे हैं, जड़ इकाई के रूप में। और जिनमें जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना है वो चैतन्य है। तो चैतन्य इकाइयों की जो को जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उन इकाइयों को ही चैतन्य कह रहे हैं, जिनमें जानना और मानना है पहचानना निर्वाह करने के साथ, या बिना जाने मानने की क्रिया है पहचानना निर्वाह करना तो है। इतना अध्ययन किए थे हम लोग और साथ में सेल्फ और बॉडी दोनों को अपने में देखने का भी अभ्यास किए थे कि क्या हम दोनों को देख सकते हैं। तो सेल्फ को, सेल्फ की क्रियाओं को देखते हुए सेल्फ को देखने का काम कर ही रहे थे, तो बॉडी में हो रही क्रियाओं को भी देखने का, जो संवेदना के रूप में हम देख रहे थे उसको भी देखने का काम किए थे। तो अभी हम लोग जो हम लोगों ने अब होमवर्क किया है उस पर जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो चर्चा करके फिर आगे। भैया, मेरा प्रश्न बनता है कि स्वभाव और संस्कार दोनों भी बदल सकते हैं भैया, ओवर पीरियड ऑफ टाइम संस्कार और स्वभाव दोनों बदल सकते हैं? ठीक है, तो उसको देखते हैं कि अभी जिसको आप स्वभाव कह रहे हैं वो किसे कह रहे हैं, संस्कार जो कह रहे हैं वो किसे कह रहे हैं। अगर एक बार वो अपने ध्यान में आ जाए तो फिर इस पर अच्छे से चर्चा हम लोग कर सकते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं कि स्वभाव और संस्कार बदल सकते हैं कि नहीं। हाँ भाई, जी, स्वभाव और संस्कार के बारे में कुछ आप जिस भी वास्तविकता को स्वभाव या संस्कार आप कह रहे हैं अगर थोड़ा इंडिकेट करें तो हम लोग उस पर ठीक से बात कर पाएंगे, या अगर आप कहें तो मैं जो इन दोनों शब्दों से समझता हूँ उसको इंडिकेट करके फिर आपके प्रश्न को उत्तर देता हूँ। हाँ जी भैया, अभी गणेश भैया बता रहे थे कि दो तरह के स्वभाव हैं, एक गीता में प्रस्तुत किया हुआ स्वभाव और अपना संस्कारयुक्त स्वभाव। ऐसे दो दो डिफरेंस, दो परे टाइप के स्वभाव बताए और हम उसको हमारा प्रैक्टिस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके, प्योर दृष्टा के रूप में ऑब्जर्व करके हम स्वभाव को भी और संस्कार को भी चेंज कर सकते हैं। क्या स्वभाव और संस्कार अलग अलग है ऐसा? जी भैया, तो मैं अभी उस चर्चा को सुन नहीं पाया था इसलिए उस चर्चा के रेफरेंस में तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो जो जिस रेफरेंस में स्वभाव और संस्कार का प्रयोग हुआ है ना,
अब जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं स्वभाव और संस्कार शब्द को, मैं उसको एक बार रख करके फिर उस पर अपनी बात रख सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चर्चा में थोड़ा शामिल नहीं हो पाया था, इसलिए उसके बैकग्राउंड को नहीं सुन पाया। तो मुझे लगता है उस पर चर्चा फिर सर अगले सत्र में आएंगे तो सर से उस पर कर सकते हैं। तो ठीक है भैया। हाँ, अभी तो स्वभाव शब्द को हम लोग जनरली दो ढंग से प्रयोग करते रहते हैं। एक तो जो चीजें हमारे उसमें आ गई है, एक तरह से बार बार करने बस अभ्यास बस, हम बार बार वैसा जिनको करने लग जाते हैं, कई बार सामान्यतः उसको भी स्वभाव के रूप में हम कह रहे होते हैं। और यहाँ पर जिसको हम लोग स्वभाव कह रहे हैं, जो हमारा स्वयं में स्वीकृत भाव है, सहज स्वीकार भाव है, उसको भी स्वभाव कह रहे हैं। तो ये जो स्वयं में सहज स्वीकार भाव है, निश्चित भाव है, जो सहज स्वीकार है उसको देखते जाते हैं, तो जो सहज स्वीकार भाव है वो है, उसमें तो बहुत बदलाव की ना तो जरूरत है ना हम बदल पाते हैं। कि अगर हमको सम्मान का भाव सहज स्वीकार है तो हम सम्मान के भाव से सुखी होते हैं, तो सम्मान का भाव हमको सहज स्वीकार ना हो ये बदल पाना तो अगर देखें तो को कठिन है या नहीं हो पाता है एक तरह से। लेकिन ये जो दूसरा वाला पक्ष है जिसको हम लोगों ने स्वभाव के रूप में मान लिया है, कि जिन चीजों का करने का अभ्यास हो गया, जैसे कोई कहता है कि गुस्सा करना इनका स्वभाव है, चिड़चिड़ाते रहना इनका स्वभाव है, ऐसा जो बोलने लगते हैं जनरल बोलचाल में, इस तरह के हाँ स्वभाव में भाई, तो परिवर्तन हम लोग कर ही पाते हैं, अपने पर ध्यान देकर, अपनी क्रियाओं पर ध्यान देकर, अपनी मान्यताओं पर ध्यान देकर, ये तो दिखता ही है। लेकिन जो सहज स्वीकार है कि हमको सम्मान की जगह अपमान सहज स्वीकार हो जाए, ये बदलाव कर पाना तो आपको संभव लगता है या नहीं, इसकी जांच कर ले। मेरे को लगता है ये तो संभव नहीं है कि हमको सम्मान की जगह अपमान सहज स्वीकार होने लगे। हाँ, ये बात अलग है कि मैं मजबूरी बस अपमान को स्वीकार रहा हूँ, बट सहज रूप से तो स्वीकार नहीं। कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। जी, तो मजबूरी बस मैं स्वीकार रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कुछ देर के लिए, लेकिन सहज स्वीकृति तो नहीं। क्या है, आप खुद ही इसको जांच करके देखिए कि क्या सम्मान की जगह किसी भी परिस्थिति में अपमान आपको सहज स्वीकार हो पाता है, या नहीं मजबूरी नहीं बस कुछ नहीं देर के लिए आप उसको स्वीकारते बस नहीं है और बहुत जल्दी उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास शुरू कर देते। जी हाँ भैया, जरूर जरूर। जी, लेकिन अभ्यास वाली चीजों को जब हम स्वभाव के रूप में बोल रहे होते हैं, गुस्सा हमारा स्वभाव है, चिड़चिड़ाना हमारा स्वभाव, तो इन सब चीजों को चाहे कितना भी अभ्यास कर लिया हो हमने, हमको एक बार जब दिखने लगता है कि ये सही नहीं है, इस समय भी दुखी हो रहा हूँ, दूसरा भी दुखी हो रहा है, व्यवस्था हो रही है, तो मैं अपने भीतर उससे जुड़ी हुई मान्यताओं को गहराई से देखने का काम शुरू करता हूँ, और फिर वो मान्यताएं मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, मेरे लिए व्यवस्था के लिए है कि नहीं, ये सब मैं देख पाता हूँ और धीरे धीरे उसको बदल भी पाता हूँ। तो उस तरह के स्वभाव को जब आप स्वभाव के रूप में कहते हैं तो बदल पाते हैं। संस्कार को भी देखें तो ना, जिसको भी हम कह रहे हैं, ये कल्पनाशीलता में जो इच्छा विचार आशा है और साथ में उसके साथ जुड़ी जो गलत मान्यताएं हैं, वो सब मिल के जो एक ढंग से चलने लग गई हैं, उसको भी जब हम अपने भीतर ध्यान देते हैं तो उसको भी ठीक कर पाते हैं, समय लगता है, भी बदल पाता है। और एक तरह से ये जो हमको बार बार गुस्सा आने लगा, चिड़चिड़ाने लगे, जिसको स्वभाव बोल रहे हैं, तो जो संस्कार जिसको कह रहे हैं उसी बस हो रहा है वो, तो संस्कार में जो चीजें ठीक होती हैं तो वो भी स्वतः ठीक हो जाता है, और उसको ठीक करने का काम तो हम लोग अभ्यास वन में गहरा किए ही है, बहुत सारा महीने भर से कर ही रहे हैं उसी को ठीक करने का काम। जी, चल से भैया अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा, संस्कार और स्वभाव का अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा। ओए, तो संस्कार मतलब तेरे को तो लगता है सब जुड़ा हुआ ही है दोनों, है ना? जैसे संस्कार को देखेंगे तो अभी तो जो सेल्फ में हमारी इच्छा विचार आशा चल रहा है, कल्पनाशीलता जो चल रहा है, और जो कल्पनाशीलता चल रहा है साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो मान्यता है हमारे में, ये सबको मिला करके संस्कार कह रहे हैं, है ना? तो वहां से हाँ मान्यता को भाई, हम ठीक करते हैं तो उससे जुड़ी हुई इच्छा विचार आशा भी ठीक होता है, ये दोनों ठीक होता है, फिर उसके आधार पर हमारे द्वारा हो रहा व्यवहार कार्य या व्यवस्था में जो भागीदारी बाहर हो रही होती है वो भी ठीक दिखने लगता है। और एक प्रश्न छोटा पूछ लूँ पूछ लीजिए भैया।
भैया हम टीचिंग करते वक्त प्योर दृष्टा को देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए टीचिंग कर सकते हैं, इससे वो कर सकते हैं भैया। हम 1 आवर टीचिंग है समझिए, हम प्योर दृष्टा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके टीचिंग करना, वो डिस्टरबेंस लगता है क्या भैया? और बढ़िया होता है टीचिंग। जब आपने अभ्यास वन शुरू किया होगा हाँ तो भाई, हम लोगों ने शुरुआत में इस कल्पनाशीलता को देखने का काम शुरू किया था। हाँ तो भाई, कल बैठ करके कहीं 5 मिनट इस कल्पनाशीलता को देख लेना ये रिलेटिवली आसान लगता होगा, चलते फिरते घूमते फिरते इस पर ध्यान दे पाना कठिन लगता होगा। अभी क्या स्थिति है, आपने कल्पनाशीलता को खाते पीते चलते नहाते काम करते हुए देख पाते हैं नहीं देख पाते? कर रहा हूँ। हाँ हो रहा है भैया, और हो रहे हो। देख पाते हैं। तब इस कल्पनाशीलता को भी देखने वाले को देखना है, जो मैं अपने पर देख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। शुरू में कठिन लग सकता है, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो पैरेलली हो पाएगा भैया। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। जी अभी जो भैया ने प्रश्न पूछा दो बिंदुओं को लेकर, उसमें भैया मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, उस पर आप अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। संस्कार और स्वभाव को अगर मैं देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि संस्कार एक आउटर लेयर है और ज्यादा उसका जो लोकेशन है वो गति क्रिया कन्फाइंड है, उससे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। वेयर एज स्वभाव जो है वो रिलेटिवली इनर लेयर है स्वयं की, और वो स्थिति क्रिया की तरफ ज्यादा उसका शिफ्ट है। और संस्कार के परिमार्जन करते करते मैं स्वभाव में परिवर्तन ला सकता हूँ। तो संस्कार जो है वो एक प्रक्रिया हुई और एक आउटर टेंटिकल हुआ जिसको होल्ड कैच होल्ड करके करते हुए मैं कनेक्ट कर सकता हूँ स्वभाव से। और दूसरा बिंदु जो भैया उन्होंने रखा कि जब वो लेक्चर देते हैं तो वो कैसे स्वयं का परिमार्जन लेक्चर के माध्यम से भी सुनिश्चित करें और अपनी स्किल्स का एनहेंसमेंट भी करें, तो उसको लेकर जो मेरा विचार और भाव बन रहा है वो ये है कि जो डिफिकल्टी जो हो रही है बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट स्वयं में है, या तो वो सब्जेक्ट मैटर को लेकर है, कंटेंट को लेकर है जो स्किल से रिलेटेड है, और कोर में वो स्वयं का कहीं ना कहीं परिमार्जन की आवश्यकता को भी आमंत्रित करता है। तो अगर दोनों स्तर पे उसको देखा जाएगा तो स्किल का एनहेंसमेंट भी संभव हो पाएगा और साथ ही साथ भाव के रूप में स्वयं का परिमार्जन होते हुए, जैसे आपने अभी कहा, स्वयं का ज्यादा परिष्कृत रूप जो है और स्वरूप वो हम देख पाएंगे और जान पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी कृपया आप मार्गदर्शन करें। जी भैया, तो इन सबको अपने भीतर देखने का काम तो हम लोग शुरू ही कर दिए हैं, तो इसको और ठीक से देखेंगे तो इन सारी चीजों को भी देख पाएंगे कि स्वभाव शब्द से हम किस वास्तविकता को इंगित कर रहे हैं, संस्कार शब्द से किस वास्तविकता को इंगित कर रहे हैं। तो मुख्यतः देखने जाएंगे तो सेल्फ में चल रही जिन क्रियाओं को देखने का हम काम कर रहे हैं, कल्पनाशीलता को, और उससे ऊपर की क्रियाओं को जो अपने भीतर देखने का काम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीजें निश्चित हैं जो बदलती नहीं है ना। शुरू में हम लोग उसको सहज स्वीकृति कह रहे थे, उसको और जब एक्सटेंड करते हैं तो और उसको और बारीकी से भी हम लोगों ने उसमें एक्सटेंड किया होगा इस चर्चा में जब अध्ययन कर रहे थे। तो संस्कार जब कह रहे हैं तो किसे कह रहे हैं, तो जो पूरी कल्पनाशीलता चल रही है और उसके आधार पर जो हमारा व्यवहार कार्य हो रहा है, उस कल्पनाशीलता के कोर में जो है, चाहे मान्यता है या जो सहज स्वीकृति है, तो उससे आधारित उससे एक तरह से उस पर उससे हमारी कल्पनाशीलता में क्या चलेगा, एक तरह से वो उसका बीज है, वो स्रोत है, वो मान्यता है या फिर वो हमारी समझ से तय हो। जब समझ से तय हो रहा है तो कल्पनाशीलता में निश्चितता रहती है, अगर मान्यता से तय हो रहा है तो कल्पनाशीलता में बहुत सारी अनिश्चितता रहती है, मैं सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा यह तय नहीं हो पाती है।
लेकिन समझ से सहस्वीकृति से तय हो रही है तो उसमें एक निश्चितता रहती है। देखने जाएंगे तो इस पूरे के जुड़ाव को भी देख पाएंगे। तो ये जो हमारे भीतर क्रिया चल रही है कल्पनाशीलता मान्यता से जुड़कर या समझ से जुड़कर, तो मान्यता से जुड़कर चल रही है वहां तक जो जुड़ के चल रही है उस पूरे को संस्कार कह रहे हैं। जीवन क्रिया में स्वभाव के रूप में तो बात हुआ है, तो सहस्वीकृत भाव है उसको स्वभाव कह रहे हैं। मान्यता उस तरीकों से देखे तो जो हमारे अभ्यास में चीजें थोड़ी स्थिर सी हो जाती हैं, लंबे अभ्यास हो जाता है उसको भी कई बार हम लोग प्रचलित भाषाओं में स्वभाव बोलने लगते हैं। लेकिन जो पिछली चर्चा हुई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, चूंकि मैं सुन नहीं पाया था इसलिए उस संदर्भ में तो मैंने उत्तर नहीं दिया, बट जिस संदर्भ में मैं दोनों शब्दों को देख पा रहा था उस संदर्भ में ये बात। नमस्ते सभी को। भानु सर नमस्ते, एंड भानु सर वेलकम नमस्ते बैक। नमस्ते भैया। हाँ, ये देखते हैं कि सेल्फ और बॉडी का सह अस्तित्व है और इनके बीच इंटरेक्शन होता है, फ्री इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। कुछ घटनाएं अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ क्रियाएं बॉडी में होती हैं और कुछ क्रियाएं सेल्फ में होती हैं। जैसे ईचिंग होती है, ये बॉडी में होने वाली क्रिया है, और जो इच्छा विचार आशा चलती है ये सेल्फ में होने वाली क्रिया है। जब हम किसी के, जब हमारे मन में किसी के प्रति ऑपोजिशन के थॉट्स होते हैं तो डिसहार्मनी होती है, और ये डिसहार्मनी सेल्फ में होने वाली क्रिया। लेकिन हमने ये भी, जब हम ध्यान देते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे मन में किसी के प्रति ऑपोजिशन के थॉट्स नहीं होते हैं उसके बाद भी स्टेट ऑफ डिसहार्मनी बनी रहती है। तो सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब नेगेटिविटी के थॉट्स नहीं होते हैं तब भी स्टेट ऑफ डिसहार्मनी होती है, तो ये घटना ब्रेन में घटती है या सेल्फ में घट रही होती है? दिस इज माई क्वेश्चन, पानु सर। नेगेटिविटी ऑफ थॉट, जब नेगेटिविटी, जब थॉट्स में नेगेटिविटी होती है किसी के प्रति, तो हमारे अंदर स्टेट ऑफ डिसहार्मनी हो जाती है, और ये सेल्फ में होती है, मैं समझ पाता हूँ। लेकिन जब हम किसी के प्रति नेगेटिविटी के थॉट्स भी नहीं होते हैं उसके बावजूद भी हमें डिसहार्मनी लगती है, तो वो डिसहार्मनी तो होती है। डिसहार्मनी किसको लगती है, डिसहार्मनी किसको लग रही होती है, बॉडी को लग रही होती है, सेल्फ को लग रही होती है। ये पढ़ने का काम तो सेल्फ में ही होता है, जैसे बॉडी में इचिंग होती है, ठीक है, तो घटना तो बॉडी में घटती है, सेल्फ पढ़ रहा होता है, क्लैरिटी है इसमें। जी जब जब हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं होती है उसके बावजूद भी डिसहार्मनी हो रही होती है, तो वो डिसहार्मनी की घटना ब्रेन में घट रही होती है या सेल्फ में हो रही होती है? तो अभी तो मैं ये कहूंगा भैया कि इसको थोड़ा ओपन रखा जाए। दोनों संभावनाएं हैं जो आप कह रहे हैं वो, और एक और संभावना है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा भाव चल रहा है जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, हमारे कल्पनाशीलता में एक डिसहार्मनी है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जब बहुत ज्यादा हलचल होती है, बहुत ज्यादा अंतर विरोध होता है, तब तो बार बार ध्यान जाता है, एक तरह से देख पाते हैं। कई बार थोड़ा कम होता है उससे, है ना, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते, नहीं देख पाते। तो मैं अभी तो ये कहूंगा भैया आप दोनों को ही ओपन रखिए और अपने भीतर और ध्यान दीजिए, तो पता चलेगा कि जिस समय आपको लग रहा है कि अंदर कुछ नहीं हो रहा है और आप बेचैन हैं, और होश पूर्वक देखेंगे तो कुछ ना कुछ सूक्ष्म स्तर पर आपकी कल्पनाशीलता में, संस्कारों में कुछ हलचल चल रही होती है जिसको हम सामान्यतः देख नहीं पाते। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है तो उसको भी देख पाते हैं, लेकिन बेचैनी जो सेल्फ में हो रही है, सेल्फ की क्रियाओं में जो हमको सहज स्वीकार नहीं है, बेहोशी में कुछ ऐसा चला रहे होते हैं तो हमारी बेचैनी होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उसको और सूक्ष्मता और बारीकी से देखा जाए, बजाय ये निष्कर्ष बनाने के, इमीडिएट अभी ये निष्कर्ष बनाने के कि वो बॉडी में कुछ हो रहा है। बॉडी में भी कुछ हो रहा है ना भैया, अभी इस अभ्यास में आगे देखेंगे तो बॉडी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी संवेदनाएं हमको मिल रही हैं, हमने उसे जुड़े हुए भी कुछ कुछ सूक्ष्म संस्कार अपने भीतर बना रखे होते हैं, वो एक्टिव होते हैं और वो हमको, हमारे भीतर बेचैनी पैदा करते हैं, और उस प्रक्रिया को हम अभी और
शार्पली नहीं देख पाते तो कई बार उसको नहीं पकड़ पाते। ये जो अभ्यास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेल्फ को देखने का, बॉडी को देखने का, सेल्फ और बॉडी के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को देखने का, इन सारे अभ्यासों को ही हम लोग अभ्यास 2 में स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो वहां पर हम धीरे धीरे अगर पहले इस अभ्यास को किए हैं तो और ध्यान देंगे तो वो बारीकियां और पकड़ में आएंगी, और अगर पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले स्टेप्स में इसको और ठीक से अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम बेचैन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन क्रियाओं में कुछ कुछ हलचल है, भले हम उसको देख पाए या ना देख पाए। जी भैया, इसमें एक्चुअली बीच में ये इंफॉर्मेशन आई थी या प्रस्ताव आया था कि हमें शरीर की क्रियाओं को देखना है और सेल्फ की क्रियाओं को देखना है, या शरीर में होने वाली हलचल या घटनाओं को देखना है जो फिजियो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जी तो उसको तो मैं इचिंग को मैं देख पा रहा था। जैसे फीवर होता है, फीवर में जो हेडेक होता है वो दिखता है कि बॉडी में होने वाली घटना है, लेकिन जी ये जो जो डिसकंफर्ट है ये नहीं दिख रहा है कि ये बॉडी में हो रहा है या सेल्फ में हो रहा है। तो उसको और ठीक से थोड़ा देखने का कुछ दिन और अभ्यास किया जाए कि बॉडी में एक संवेदना हो रही है, एक सूचना आ रही है, एक हलचल हो रही है, उसको पढ़ने वाला कौन है? मैं हूँ, मेरा सेल्फ है, मैं ही पढ़ रहा हूँ उसको, और उससे आराम में आने वाला या बेचैन होने वाला भी कौन है? मैं ही हूँ या मेरा शरीर है? ये सबको थोड़ा और ठीक से देखते हैं, आने वाले स्टेप्स में इसको और ठीक से देखेंगे तो उसको और बारीकी से अपने भीतर निष्कर्ष बना पाए। तो अभी उसको ओपन रख के ही चलना ठीक है भैया, जब तक उसका ठीक से जांच परख नहीं हुआ है। निष्कर्षात्मक रूप में आप हमसे कहेंगे, लॉजिकली कहेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि भैया बेचैनी सेल्फ में हो रही है, लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स को देखना है उसको देख कर आप पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष फिर आपका अपना होगा। तो उसको देखने का काम और जारी रखें, फिर देखते हैं कि भाई बेचैनी वास्तव में सेल्फ में हो रही है कि शरीर में हो रही है, कहाँ हो रही है। जी भैया, ठीक है, इसको और एक्सप्लोर करते हैं और इसको ओपन ही रखते हैं अभी। हाँ, थैंक यू नमस्ते भैया। कल नमस्ते जो भैया। एक्सप्लेन कल तक जो एक्सप्लेन किया था, एक एक्सरसाइज भी करवाई थी, उसमें ये कहा था कि सेल्फ और शरीर ये दोनों अलग-अलग इकाई है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये ऑब्जर्व करने के लिए कहा था। और ये कहा था कि उसको तर्क के आधार पे नहीं करना है, हम उसको किस तरह से देख पाते हैं उस आधार पे करना है। तो जब वो एक्सरसाइज की थी तो ये तो समझ में आया था कि कोई ना कोई संवेदनाएं शरीर ग्रहण करता है और उसको मैं प्रोसेस करती हूँ, और उसके बाद में, या ऐसे कह लीजिए कि सेल्फ प्रोसेस करता है, फिर सेल्फ जो है वो शरीर को कुछ आदेश देता है कि इस संवेदना का ये करना है, कि ये अच्छी संवेदना है, ये संवेदना जो है वो अनुकूल नहीं है, तो जी ये एक्शन लेना है, ये सारी चीजें हम देख पाए थे। अब यहाँ मेरा प्रश्न ये बन रहा है भैया कि ये चीजें हमने साइंस में इस तरह से पढ़ा है कि बाहर से जो संवेदनाएं आती हैं वो जो हमारी तंत्रिका तंत्र है या न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू ब्रेन में जाती है, और ब्रेन से प्रोसेस होके वो मैसेज जो है वो वापस उस ऑर्गन तक जाता है, और फिर वो ऑर्गन की मसल्स वगैरह जो हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर मैसेज जाता है और फिर वो ऑर्गन उस तरह से क्रिया करता है। जबकि यहाँ हम उस चीज को भूल रहे हैं कि ये जो भी अंदर विचार चल रहे हैं, अंदर जो भी निर्णय हो रहा है, ये सेल्फ के लिए हो रहा है। तो अभी जो मैं सेल्फ को जो समझ पा रही हूँ वो इसी आधार पे समझ पा रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि हाँ मेरे अंदर इच्छाएं भी हैं, हाँ मेरे अंदर आस्वादन भी हो रहा है, मैं चयन भी कर रही हूँ, विश्लेषण भी हो रहा है, पुराने संस्कार भी बने हुए हैं जो कि चित्रण में है, जो कि किसी अनुभव के आधार पे कह लीजिए या जो घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं उनके आधार पे मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो जमे हुए हैं,
तो ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ कि हाँ मेरे अंदर हो रही हैं, और यहाँ जो सूचना दी जा रही है उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो सेल्फ में हो रही हैं, लेकिन मैं सेल्फ को अभी उस तरह से तो नहीं देख पा रही हूँ जैसे मैं शरीर को या स्थूल चीजों को देख पा रही हूँ। अभी मैं ये मानने के आधार पे ही चल रही हूँ कि ये जो भी क्रियाएं हैं जिन्हें मैं हाँ बिल्कुल देख पा रही हूँ, अच्छी तरह से देख पा रही हूँ, वो पहले हम ये समझा करते थे कि ये ब्रेन में होने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन अब ये जो UHV है उसकी सूचना के अनुसार ये बात है कि ये सेल्फ में हो रही है, तो हम इसको मान के चल रहे हैं। अभी ये वैसे ही नहीं दिख रहा है जैसे कि हम अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं को देख पाते हैं, जी 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 तो तो ये ये बात तो जी हाँ ऐसे ही रहेगा या मतलब हम उसको भी उसी तरह से देख पाएंगे जिस तरह से हम शरीर में होने वाली क्रियाओं को देख पाते जी। तो अभी अगर देखें तो इतना बात तो ध्यान में आ ही रहा होगा, ऐसा मैं आपके बारे एक अनुमान लगा रहा हूं कि आप अपनी आवश्यकताओं को देख पा रही होंगी कि दो तरह की आवश्यकताएं, हैं। हाँ एक वो आवश्यकता है जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, एक वो बिल्कुल आवश्यकता जो सही समझ सही भाव से पूरी होती है। बिल्कुल इसके बाद पर एक ध्यान तो जा ही रहा होगा, ऐसा मैं आपके बारे में अनुमान भी लगा पा रहा हूँ। साथ जी साथ ये भी दिख रहा होगा कि इन दोनों को पूरा होने का तरीका भी अलग अलग है, हाँ एक जड़ वस्तुओं से पूरा हो रहा है, एक सही समझ सही भाव से पूरा हो रहा है। तो थोड़ा और आगे बढ़ी होंगी तो इस पर भी ध्यान जाना अब शुरू हुआ होगा कि कुछ क्रियाएं हमारे में ऐसी चल रही हैं जो निरंतर नहीं चल रही, कुछ क्रियाएं निरंतर चल रही हैं जैसे इच्छा विचार आशा, चलना दौड़ना खाना, ये निरंतर नहीं चल रही। तो ये सब का जो अध्ययन किए अपने भीतर उससे ये बात तो ध्यान में आ रही है कि हमारी एक तरह की आवश्यकता, एक तरह की क्रियाएं निरंतर है, एक तरह की आवश्यकता और एक तरह की क्रिया सामायिक है। तो क्या इतनी बात अपने बैकग्राउंड में ध्यान में हम जांच परख करने की तरफ कुछ बढ़ पा रहे हैं दीदी? बिल्कुल बिल्कुल भी है, हो पा रहा है, ये हो अब पा ये रहा है। जो अभ्यास 2 का पहला स्टेप जो इंट्रोड्यूस हुआ है कि हम अभ्यास 1 में तो कल्पनाशीलता में जो भी देखने का काम कर रहे थे, सेल्फ में चैतन्य में जो भी क्रियाएं चल रही थी उसको देखने का काम कर रहे थे, अभी हम लोगों ने साथ साथ शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको भी देखने का काम शुरू किया है। तो अगर मैं उसको देखता हूँ तो मैं जब भी अपने शरीर को देखने जाता हूँ तो एक तो यह है कि आंखों के माध्यम से अपने शरीर को देख रहा हूँ, तो शरीर में जो भी दिखाई दे रहा है या मैं हाथ से उसको छू रहा हूं, उससे जो स्पर्श की सूचना जा रही है उसके बारे में कुछ शरीर का एक अनुमान मैं लगा। अभी जब मैं आंखों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आंखों से शरीर को नहीं देख रहा हूँ, बैठ करके ऐसे होकर कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहा हूँ, अब साथ साथ शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसको भी पढ़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब इस अभ्यास में और गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि सेल्फ में जो क्रियाएं चल रही हैं वो तो निरंतर चल रही हैं, हम उसको देख भी पा रहे हैं, और जब निर्णय लेंगे हम या निर्णय लेते हैं तो शरीर में हो रही संवेदनाओं को, शरीर में हो रहे हलचल को पढ़ते हैं, और जब निर्णय नहीं लेते हैं तो उसको नहीं पढ़ते। शरीर कान पे कुछ आवाज आ रही है, कई सारी आवाजें आ रही हैं, तो क्या सारी आप सुन रही होती हैं या जिसका सुनने का निर्णय लेती हैं वो सुनाई देता है, बाकी पर आपका ध्यान नहीं जाता ये बात है? बहुत तो क्लियरली देख सकती हूँ भैया कि जिसका निर्णय लेते हैं वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है। जी तो इसका अर्थ तो ये दिखाई देता है अपने में कि कोई निर्णय लेने वाला है भीतर, है ना, और उसमें कल्पनाशीलता, इच्छा विचार आशा ये सब चल रहा है। तो धीरे धीरे हम अभ्यास में जाएंगे तो ये दोनों ही बातें दिखेंगी, ये एक ऐसी स्थिति दिखेगी अपने को जिस समय हम पूरी तरह से कल्पनाशीलता पर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने भीतर सेल्फ में ही काम हो रहा है, उस समय हमको शरीर के की संवेदनाएं या शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो आने वाली सूचनाएं हैं हम उसको नहीं रीड कर रहे होते हैं। और एक ऐसी भी स्थिति अपने भीतर दिखाई देती है कि हम कल्पनाशीलता को देख रहे हैं, बाहर कुछ चलचल जो भी हुआ है ना शरीर में,
अब हमने निर्णय लिया कि अब उसको देखना है, तो फिर हम उसको भी रीड करने लगते हैं। फिर वापस जब हम निर्णय लेते हैं कि अब हमको पूरी तरह कल्पनाशीलता पर ध्यान देना है, तो हम फिर वापस पूरी तरह से कल्पनाशीलता पर ध्यान देने लग जाते हैं। तो उस समय फिर हमको शरीर में हो रही संवेदनाएं हलचल उसका कुछ है ना, उसको एक तरह से हमको पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा। तो धीरे 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 इस अभ्यास में ये और एक तरह से स्पष्टता भी बढ़ेगी और हम अपने में वैसे ही क्लियरिटी बढ़ेगी है ना। जैसे अभी हमारा एक अभ्यास हो गया है कि इंद्रियों के माध्यम से जिन चीजों को देख रहे हैं उसको तो बहुत क्लियर एक तरह से स्वीकार पाते हैं, क्योंकि तो लंबा अभ्यास रहा है। अभी सेल्फ में इतना सारा काम हो रहा है, उसमें से कुछ भी तो हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख रहे हैं ना, अपनी बिल्कुल कल्पनाशीलता को। तो उसमें क्या हमारा क्या हमको सहज स्वीकार है, हम हार्मनी में है या हार्मनी में नहीं है, वो तो सीधे सीधे ही देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो सीधे सीधे दिख रहा है वो भी एक वास्तविकता है, उस पर भी उसी तरह से हम एक तरह से जितना हम इंद्रियों को देख के भरोसा बना रहे हैं, धीरे धीरे उस पर भी बनने लगेगा। तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे कि हम दोनों तरह की वास्तविकता को देख पा रहे हैं, सेल्फ को भी और ये जो शरीर में हलचल हो रहा है उसको रीड कर रहे हैं, उस समय शरीर को। धीरे धीरे उस दिशा में जो आपका जो अभी अनुमान है वो एक तरह से निष्कर्ष में बदल पाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ ही रहे हैं। जी जी भैया। अच्छा, एक चीज, एक आखिरी सवाल है। ये जो देखने वाला काम है, जैसे मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख रही हूँ कि मतलब मेरी सहज स्वीकृति क्या है, मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो विरोध के भाव चल रहे हैं या स्वीकृति के भाव चल रहे हैं, और ये किस चीज का आस्वादन हो रहा है, फिर मैं क्या चयन कर रही हूँ। ये जो देखने का कार्य है, ये दृष्टा के लेवल पे ही होता है हमेशा, या देखने का कार्य भी जो है वो इन तीन आशा विचार इच्छा इन तीन स्टेप पर भी होता है। मतलब एक तो ये होता है कि हम अपनी आशा विचार इच्छा को देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं ये किस लेवल से होता है? थोड़ा सा प्रश्न को और अगर एक बार स्पष्ट करें दीदी। इतना मुझे तो समझ में आया कि एक तो आप ये पूछ रहे हैं कि इच्छा विचार आशा जो कल्पनाशीलता में आपके चल रहा है ना, आप उसको भी देख रही हैं, तो यहाँ पर हाँ देखने वाले का आशय क्या है, ये आप पूछना चाह रही हाँ हैं हाँ अभी हाँ तक। मत या यूं कहते, जो हम कहते हैं कि दृष्टा के लेवल से हम अपने आशा, हम जो पहली पूरी एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आप ऑब्जर्व करें कि आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, आपके अंदर क्या भाव है, सहज स्वीकृति के हैं, विरोध के हैं, संबंध के हैं या विरोध के हैं, या विश्वास के हैं या अविश्वास के हैं। ये सारे जो भाव हमने देखे उनके आधार पे हमारे अंदर जो विचार बन रहा है वो हमने देखा, फिर हम ये निर्णय कर रहे हैं कि हम फिर बाहर उनको अभिव्यक्त कैसे करेंगे, अपने भाव में स्थिर रह के करेंगे, या कभी कभी हम देखते हैं कि हम जो विरोध के भाव में होते हैं तो उसी प्रकार का निर्णय लेकर हम बाहर अभिव्यक्त भी हो जाते हैं, हमारा व्यवहार भी हो जाता है। तो ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, ये किस स्तर पे, मैं के किस स्तर पे हो रहा होता है, ये मैं ठीक है रख पाई दीदी, भैया? हाँ अब थोड़ी सी बात तो इस पर और रख देता हूँ, बाकी आगे और डिटेल कभी इस पर और चर्चा भी करेंगे। अभी इतनी बात कर सकता हूँ उस पर कि जो कल्पनाशीलता में चल रहा है, तो उस कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उससे मैं आराम में भी हूँ और बेचैन भी हूँ, ये दोनों ही मैं देख पाता हूँ आपके बारे जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, ये ठीक है दीदी? और ये भी देख पाता हूँ कि कल्पनाशीलता में तो बहुत कुछ चल रहा है, उसमें से कुछ मुझे सहज स्वीकार है, कुछ सहज स्वीकार नहीं है। तो कुछ सहज स्वीकृति सी चीज है अपने भीतर जो निश्चित बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, ये भी आप देख पा रही हैं, ये निष्कर्ष ठीक है जी? हाँ जी भैया। तो अभी तो ये बात ध्यान देने का एक लेवल पे और काम आपका आगे बढ़ा है, ये अभी इस कल्पनाशीलता के वो भी देख पा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये प्रश्न बन रहा है कि इस कल्पनाशीलता को जो देख रहा है ना, उस पर ध्यान देने की दिशा में अब आपके भीतर प्रश्न बनने शुरू हुए हैं।
ये कल्पनाशीलता को जो देख रहे हैं, तो अभी हम्म, मुझे लगता है हम लोग थोड़ा और उसको अभ्यास को जारी रखते हैं। अब हम लोग उसके माध्यम से जो इस तरह के प्रश्न अपने भीतर बन रहे हैं, उससे जो अपनी हायर क्रियाएं हैं, ये जो इच्छा विचार आशा से ऊपर की क्रियाएं हैं, है ना, जिसके माध्यम से हम लोग इसको देखने का काम कर रहे हैं, ये जो प्रश्न बन रहा है, अब उस प्रश्न के माध्यम से अब धीरे धीरे और थोड़ा दम लगाएंगे। ये जो इनको कल्पनाशीलता को देखने वाला है, अब उसको भी देखना है, वहां से रहते हुए इस कल्पना, उस जगह पे रहते हुए इस कल्पनाशीलता को देखना है ना। तो धीरे धीरे हम उस जो प्योर ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, शुद्ध दृष्टा है, उस तरफ हमारा जब ध्यान आकर्षित होना शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे अब हमारी देखने की वो जगह बन पाएगी। तो हम आराम से अब इस बात को देख पाएंगे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में ये चल रहा है, और बहुत कुछ चल रहा है, और मैं उससे प्रभावित भी नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे मैं उस तरफ बढ़ पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया एक लेवल का आपने हुआ है, अब आगे आप उसको एक तरह से शिफ्ट करने का प्रयास कर रही हैं। तो जो कुछ भी आपके भीतर चल रहा है, उसको अभी आप देख रही हैं, तो जो जहाँ से देख रही हैं उस जगह को आप देखने की जरूरत है कि कहाँ से देख रहे हैं उसको, वो शिफ्ट भी धीरे धीरे हो पाएगा, और जो देखने वाला है उस पर फोकस होकर इस कल्पनाशीलता को देख पाएंगे, और वो स्थिति वो होगी कि उससे फिर हमारी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है वो हमको प्रभावित नहीं करेगा। जी मैं तो बहुत इतना ही कहूंगा और बहुत बारीकी में भी नहीं जाऊंगा। अभ्यास धन्यवाद। टू का जो स्टेप वन है, हाँ चैतन्य को देखना, मैं की क्रियाओं को देखने के आधार पर जो कल्पनाशीलता चल रही है उसके आधार पर, शरीर को देखना, शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखने के आधार पर, और ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसको देखना। ये चर्चा पिछले सत्र में भी मेरा अनुमान हुई होगी, तो इसको कुछ देखने का आप लोगों ने काम किया होगा, एक दो लोगों के प्रश्नों से ये बात ध्यान में आ रही है। तो अभी अपने पास लगभग 4-5 मिनट का समय है, तो हम लोग एक बार फिर से 3 मिनट लगभग स्थिर होकर के इन दोनों को देखने का काम करते हैं, कि हम अपनी कल्पनाशीलता को भी देखने का प्रयास करते हैं, और साथ साथ जो शरीर में हो रहा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अगले 2-3 मिनट इस अभ्यास को पुनः करेंगे, तो हम लोग इस अभ्यास को जारी रखेंगे आज, और इस अभ्यास को करेंगे, और इससे जुड़े हुए जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक दो तो लोगों के हैंड रेज हैं जिसको आज नहीं ले पाए हैं, कल इससे जुड़े हुए ऑब्जर्वेशंस को भी लेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के अभ्यास को यहीं पर रखते हैं। नमस्ते दीदी।